विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी दिखाई दे रही है। आज उत्तराखंड में लगेगा बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा। बताएं आपको कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और वरिष्ठ नेता आज देहरादून में होंगे और आगामी विधानसभा चुनाव के चलते चुनावी रणनीति तैयार करेंगे नेता। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे को लेकर मंथन किया जाएगा क्योंकि तमाम बड़े नेताओं के दौरे होने वाले हैं और ऐसे कितना फर्क पड़ेगा और किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, इसी को लेकर आज बड़े नेता बीजेपी के मंथन करेंगे। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय है, बीजेपी लगातार एक के बाद एक रणनीति तैयार कर रही है और अब जिन बड़े नेताओं के दौरे होने वाले हैं उसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। बिल्कुल जय, देखिए आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक होने वाली है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भाजपा अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है और आज से चुनावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी और तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। लगातार 4-5 बैठकें होने वाली हैं अगले 2-3 दिनों तक। उसके बाद जो केंद्रीय नेता उत्तराखंड आएंगे उनके दौरे फाइनल किए जाएंगे। जेपी नड्डा 15 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, शायद कुमाऊं के दौरे रहेंगे। उनका किस तरह से कार्यक्रम तय करना है, किन नेताओं से मुलाकात करनी है, कहां रैलियां की जानी है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। उसके साथ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृहमंत्री के दौरे को लेकर भी अंतिम रूपरेखा तैयार की जाएगी क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी क्योंकि सिर्फ 2 महीने का वक्त उत्तराखंड में चुनावों के लिए रहा है और ऐसे में भाजपा हर तरह से चुनावी मूड में आ रही है, हर कदम को चुनावी रूप में रखा जा रहा है। इसलिए यह आज बैठक की जाएगी, उसमें आगामी जो तमाम कार्यक्रम है उसको अंतिम रूप भी दिया जाएगा और केंद्रीय नेताओं के जो दौरे होंगे उनको फाइनल जाएगा। किस नेता का दौरा कहां लगना चाहिए, किस नेता के दौरे से कितनी विधानसभाओं पर फर्क पड़ने वाला है, तमाम चीजों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों के दौरे तय किए जाएंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौरा रहने वाला है। जया, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार में आपकी तिरंगा यात्रा के दौरान काफी भीड़ नजर आई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर्नल अजय कोठियाल कर रहे थे। अजय कोठियाल ने कहा कि यात्रा के जरिए आप जनता के बीच जा रही है और जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। जनता से पूछ रहे हैं कि आप बताओ एरिया स्पेसिफिक आपको क्या लगता है, कौन से मुद्दे हैं जिनको कि हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए और उस बेसिस पे हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और 2022 के इलेक्शन में वही हमारा जनता के बीच में जाकर के इलेक्शन लड़ने का तरीका होगा।